हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इज टेक्स्ट, इज नन टेक्स्ट और फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। शुरुआत में हम लोग इसका बेसिक, इन तीनों फंक्शंस का बेसिक सीखेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे आप इज टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल भी लुकअप के साथ कर सकते हैं, साथ में इफ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, कैसे आप इज टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल वैलिडेशन लगाने के लिए भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। देखिए, जहां तक बेसिक्स की बात है तो इज टेक्स्ट जो फंक्शन है, यहां पे मैं लिखता हूं इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और पैरामीटर में मैं इस सेल का रेफरेंस पास करके ब्रैकेट बंद करता हूं और इंटरप्रेस करता हूं। यहां पे वैल्यू आ गया फॉल्स, मतलब कि इज टेक्स्ट फंक्शन ने चेक किया कि पास किया गया जो सेल रेफरेंस है बी4, उसका जो वैल्यू है क्या वो टेक्स्ट है, तो नहीं, तो इसने फॉल्स दे दिया। अभी आप इस पूरे सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करते हो, ये फॉर्मूला जो है आपका नीचे की तरफ कॉपी हो गया। जहां जहां पे भी वैल्यू आपका टेक्स्ट आ रहा है, जैसे यहां धोनी टेक्स्ट है वहां पे ट्रू हो गया, नवादा भी टेक्स्ट है वहां पे ट्रू हो गया, बाकी सारे जगहों पर इसने क्या दिया, फॉल्स दिया। मतलब ये साफ पता चलता है कि इज टेक्स्ट फंक्शन दिए गए सेल के वैल्यू को चेक करता है और अगर वो वैल्यू टेक्स्ट होता है तो ये रिटर्न के रूप में, रिजल्ट के रूप में जो है वो ट्रू वैल्यू देता है, अदरवाइज फॉल्स दे देता है। ठीक है, इसके अपोजिट इज नन टेक्स्ट जो फंक्शन है वो इस बात को चेक करता है कि क्या सेल रेफरेंस जो आपने पास किया उसका वैल्यू टेक्स्ट नहीं है, नहीं होने पे ये ट्रू देता है और होने पे फॉल्स देता है। आइए देखते हैं, यहां मैंने लिखा इक्वल्स इज नन टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन सेल रेफरेंस, यहां पर वाला मैंने पास किया, ब्रैकेट बंद किया, इंटरप्रेस किया, अब इसने ट्रू दे दिया क्योंकि यहां पे जो वैल्यू है 34 वो टेक्स्ट नहीं है और नहीं होने के केस में ये ट्रू देता है और होने के केस में ये फॉल्स देता है। अभी आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से सारे सेल्स को आपने सेलेक्ट किया और शिफ्ट यहां पे कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया, देखो यहां पे सारा रिजल्ट आपके सामने। अब आपको पता करना है कि यहां इन सारे सेल्स में, ये इज टेक्स्ट वाले पोर्शन में कौन कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। एक ही फॉर्मूला है, इज टेक्स्ट है, लेकिन सेल एड्रेस तो चेंज है, यहां पे कौन कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो दो उपाय, या तो आप कंट्रोल के साथ टिल्ड सिंबल यूज कर लो, आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। टिल्ड सिंबल जो है वो एस्केप बटन के ठीक नीचे वाला बटन होता है कीबोर्ड के अंदर। ओके, चलो वापस से मैंने कंट्रोल टिल्ड पे प्रेस किया, सारा रिजल्ट सामने है। मुझे यहां पे ऐसा कहा गया कि ये तो आपका रिजल्ट है ही, ठीक है, यहां पे फॉर्मूला भी दिखाओ। तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स फॉर्मूला टेक्स्ट, और किसका फॉर्मूला देखना है तो इस सेल का फॉर्मूला देखना है। ओके, ब्रैकेट बंद और इंटर, यहां पे इस सेल का फॉर्मूला आ गया। अभी शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से मैंने यहां तक सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबाया, ये फॉर्मूला नीचे की तरफ फिल हो गया, मतलब कि कॉपी हो गया, सारा फॉर्मूला विजिबल है। इसी तरह से अगर आपको इस कॉलम में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है अलग अलग सेल्स में ये पता करना है, तो आप यहां सेलेक्ट करोगे सेल को, इक्वल टाइप करोगे और यहां लिखोगे फॉर्मूला टेक्स्ट, और यहां पे आपको इस सेल का रेफरेंस पास करना है। ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे ही आप इंटरप्रेस करोगे आपको ये फॉर्मूला यहां पे दिखेगा। सेलेक्ट को वापस से सेलेक्ट करना है सेल को, और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है तब तक जब तक कि सारा सेल सेलेक्ट ना हो जाए जहां पे आपको फॉर्मूला चाहिए। कंट्रोल के साथ डी प्रेस करोगे जैसे ही आपके सामने सारा फॉर्मूला अवेलेबल है। तो ये तो हो गया बेसिक इज टेक्स्ट फंक्शन का, इज नन टेक्स्ट फंक्शन का और फॉर्मूला टेक्स्ट फंक्शन का। आइए सीखते कैसे इज टेक्स्ट फंक्शन को हम लोग भी लुकअप के साथ यूज कर सकते हैं। यहां पे मैंने कुछ डेटा डिजाइन कर रखा है जिसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम रखे हैं और साथ में उनका मार्क्स रखा है। यहां पे आपको ऐसा कहा जाता है कि आप यहां पे कोई नाम टाइप करो, लाइक सनोज अगर आप टाइप करते हो तो उसका मार्क्स यहां पे आना चाहिए, 89 है, 89 आना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलती से यूजर ने यहां पे 12 डाल दिया या कुछ भी अदर देन टेक्स्ट कोई भी वैल्यू डाला तो यहां पे ब्लैंक आना चाहिए। अभी नॉर्मल अगर आप भी लुकअप लगाते हो, देखो मैं बता रहा हूं, अगर आप नॉर्मल भी लुकअप लगाते हो, प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉर्मल भी लुकअप जो होता है आप उसमें लगाते हो कि भाई इस वैल्यू को आपको देखना है, ढूंढना है, कॉमा कहां से कहां तक ढूंढना है, तो बिल्कुल जी यहां से यहां तक ढूंढना है, ये मेरा एरे है। ओके, क्या ढूंढ के लाना है, तो मार्क्स लाना है, मार्क्स दूसरे कॉलम में, कॉमा फॉल्स, मतलब एग्जैक्ट मैच करना। अगर आप ऐसा लिख देते हो, अभी यहां पे देखो ये एरर दे रहा है क्योंकि ये ब्लैंक है। अगर आप यहां पे रोहित डालते हो सपोज, तो रोहित का मार्क्स इसने दिखा दिया, लेकिन अगर आप 12 डालते हो तो ये एरर दिखाता है। इसी वजह से आपको कहा गया है कि नहीं, अगर कोई टेक्स्ट के अलावा कुछ भी हो तो वहां पे एरर नहीं दिखना चाहिए। तो यहां लिखो इफ अगर इज टेक्स्ट
कौन सा इज टेक्स्ट, अगर ये जो वैल्यू है ना इस सेल का वैल्यू जो है अगर वो टेक्स्ट है तब तब ढूंढो, और नहीं तो क्या करना होगा, अगर टेक्स्ट नहीं है तो उस केस में आप ऐसा करो, यहां से मैं एडिट कर लेता हूं, अगर टेक्स्ट है तो आप ढूंढो इस वैल्यू को, और अगर टेक्स्ट नहीं है तो एक ब्लैंक आप दे दो और ब्रैकेट बंद इंटर प्रेस। तो उससे क्या हो रहा है ना कि अब अगर आप यहां 12 डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा, एरर भी नहीं आ रहा। आप देखो यहां पे ट्रू डाल दो एक वैल्यू तो भी कोई एरर नहीं आ रहा, ऐसे एरर आना चाहिए था। अगर आप नॉर्मल भी लुकअप लगाते तो यहां पे एरर देता ही, लेकिन अभी देखो आप यहां डालते हो रोहित, रोहित का मार्क्स आ गया, आप यहां डालते हो अमित, अमित का मार्क्स यहां पे, आप अमित डालते हो, देखो अमित का मार्क्स आ गया। हाँ अगर यहां पे आप कोई वैसा मार्क्स डाल देते हो, यहां पे अगर आप कोई ऐसा मार्क्स नेम डाल देते हो लाइक जो यहां पे नहीं है, जैसे पी 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 आपने डाल दिया तो टेक्स्ट तो है, लेकिन टेक्स्ट होने के बाद भी यहां पे वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहां पे मैसेज एरर मैसेज आ गया कि नॉट अवेलेबल। लेकिन एटलीस्ट यहां तक तो सुविधा आपको मिली इस टेक्स्ट के फॉर्मूला लगाने से कि आप यहां पे अगर कोई नंबर डालते हो तो उस केस में ब्लैंक आता है। तो ये फायदा है इस टेक्स्ट का इस्तेमाल अगर आप भी लुकअप के साथ करते हो, साथ में इफ भी यूज करते हो उससे। अब आइए देखते हैं कि कैसे आप वैलिडेशन लगा सकते हैं इस टेक्स्ट की मदद से। यहां पे मैंने एक कॉलम तैयार करके रखा है नेम का, जिसमें मुझे नेम डालना चाहिए लाइक धोनी, राहुल, ऐसा कुछ। लेकिन अगर मैं अभी यहां पे कोई बूलियन वैल्यू डाल देता हूं, देखो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, मैं कोई डेट डाल दूंगा वो भी एक्सेप्ट करेगा, मैं यहां पे कुछ भी कोई नंबर डाल देता हूं वो भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ऐसा मुझे एक्चुअली करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि वैलिडेशन यहां पे लगाया जाए, तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है और यहां से चले जाना है डेटा के अंदर वैलिडेशन में, यहां पे डेटा वैलिडेशन है, यहां पे क्लिक करना है, ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया डेटा वैलिडेशन का। यहां सेटिंग्स में जाके आपको अलाउ के अंदर आपको सेलेक्ट करना है कस्टम, और यहां फॉर्मूला में लिखना है इक्वल्स इज टेक्स्ट दिस पर्टिकुलर सेल ब्रैकेट बंद, मतलब अगर ये टेक्स्ट है तो उस केस में मैसेज दे दो प्लीज इंटर नेम, लेकिन आप ऐसा मैसेज दे सकते हो प्लीज इंटर एनी वैलिड टेक्स्ट एज नेम, ज्यादा अच्छा है टेक्स्ट एज नेम। लेकिन अगर इसको इसको पढ़ने के बाद भी यूजर गलती करता है तो स्टॉप यहां सेलेक्ट कर लो और यहां दे दो कि द नेम इज नॉट अ वैलिड टेक्स्ट, और ऐसा करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दो। अभी क्या है, ये वैलिडेशन अप्लाई हो गया, यहां पे देखो अभी मैसेज आ रहा है प्लीज इंटर एनी वैलिड टेक्स्ट एज नेम, इसको पढ़ने के बाद किसी ने सही एक वैल्यू डाल दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद भी अगर आप गलती करते हो तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखो यहां पे डेट डाल के नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो अब जो है ये वैलिडेशन लग गया और आप जैसे चाहो वैसे आप फिर उसको यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये टेक्स्ट वैल्यू ही ले पाएगा। अभी इसी तरह से हम लोग आगे सीखते हैं कि कैसे इस टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे सेल्स हैं जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है इसीलिए मैंने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट भी किया, आपको भी ऐसे ही करना है। अभी क्या है ना कि यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी टेक्स्ट वैल्यू है उसका एक उसका कलर येलो हो जाए और साथ में बोल्ड भी हो जाए, तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है होम के अंदर, और यहाँ होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, यहाँ पे अगर यहाँ पे न्यू रूल आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ऐसा आपको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे लिखना है इक्वल्स इज टेक्स्ट, इक्वल्स डालना नहीं भूलेंगे। अभी क्या है ना, यहाँ पे एक और चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ऐसे कीबोर्ड से ऐसे माउस से सेलेक्ट करते हो ना इस पर्टिकुलर सेल को, तो देखो यहाँ पे एड्रेसिंग मोड जो है ना वो एब्सोल्यूट हो जाता है, F4 एब्सोल्यूट मोड में है। नहीं ऐसा नहीं करना, आपको कीबोर्ड से टाइप कर लेना है, क्योंकि ये हमेशा रिलेटिव मोड में होना चाहिए, डॉलर सिंबल नहीं लगा हुआ होना चाहिए ब्रैकेट बंद, मतलब अगर ये वैल्यू यहाँ पर वाला टेक्स्ट है तो भाई फॉर्मेट करो, कैसा कर दो कलर चेंज करके सपोज कर दो येलो, ओके, और साथ में बोल्ड भी कर दो। आप और भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं अगर आप चाहोगे यहाँ से, तो आप चाहोगे तो बॉर्डर भी लगा सकते हो कि आउटलाइन लगा दो, आप फिल कलर भी आप लगा सकते हो कि ऐसा है ना कि रेड लगा दो फिल कलर, ओके। अभी जैसे ही आप यहां ओके करोगे, ये देखो जहां जहां पे टेक्स्ट है वहां वहां पे ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग लग गया। अभी क्या है कि यहां पे फॉर्मेटिंग लगा हुआ, यहां पे तो 12 है,
लेकिन सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं सचिन, इंटर, अभी ये फॉर्मेट चेंज हो गया। यहां पे राहुल पे टेक्स्ट के मुताबिक फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसे कोई बुलियन वैल्यू लाइक ट्रू ऐसा मैं कर देता हूं, देखो ये फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। तो इस तरह से बहुत आसान है इस टेक्स्ट फंक्शन का आप यूज करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। आप लोगों के लिए आज मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोगों को करना है वैलिडेशन से रिलेटेड, आप लोग घर पे इसको करोगे। यहां पे आप रोल नाम का एक कॉलम बना लो, एक नेम नाम का कॉलम बना लो और एक एड्रेस नाम का कॉलम बना लो। अभी समझो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, यहां पे आपको वैलिडेशन लगाना है इस पूरे कॉलम में सिर्फ और सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करने के लिए। इन दोनों कॉलम्स में आपको वैलिडेशन लगाना है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप लोगों का एक प्रैक्टिकल हो जाएगा कि कैसे इज नंबर फंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैलिडेशन लगाने के लिए, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, और अभी अभी वाले वीडियो में जो मैंने बताया कि कैसे आप इज टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो वैलिडेशन लगाने के लिए, इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों का हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये करके और कमेंट में रिप्लाई देना हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि इज टेक्स्ट फंक्शन जो है और साथ में फॉर्मूला टेक्स्ट और इज नॉन टेक्स्ट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग भी आराम से एक्सेल के अंदर इन तीनों फार्मूलाज को यूज कर सकोगे, आप ये भी यूज कर सकोगे इज टेक्स्ट फंक्शन को भी लुकअप फंक्शन के साथ, इफ फंक्शन के साथ, और इफ इज टेक्स्ट फंक्शन को आप लोग वैलिडेशन लगाने के लिए भी यूज कर सकोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यूज कर सकोगे। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज का सेशन मैं यहीं खत्म करता हूं, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।